बुमराह इज अ डिफरेंस, ही इज अ बेस्ट बॉलर विद द बेस्ट कंट्रोल। बुमराह ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इंडिया की तो बुमराह की बॉलिंग काफी हद तक अच्छी थी। वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उन्होंने जैसे हमारी बैटिंग लाइनअप को खत्म कर दिया। बुमराह इज आई थिंक बेस्ट बॉलर इंडिया में। बॉलिंग में बुमराह और हर्षदीप ने जो बैक टू बैक स्पेल्स डाल के जो प्रेशर क्रिएट किया, वो तो एक अलग क्लास में है ना, तो हमारे बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था। शाहीन अफरीदी इज प्रीटी गुड, बट आई थिंक बुमराह इज इन अ क्लास ऑफ हिज ओन। इंडिया की तो बुमराह की बॉलिंग काफी हद तक अच्छी थी, जडेजा की बॉलिंग भी अच्छी थी और हर्षदीप की बॉलिंग भी अच्छी थी। पाकिस्तान उस मोड पे आ रहा जब रिजवान आउट हो चुका था, वहां से किसी ने पिकअप नहीं किया, तो मिडल ऑर्डर का काफी कलैप्स हुआ। अगर मिडल ऑर्डर थोड़ा गेम संभाल लेता, अगर थोड़े छक्के लग जाते टाइम पर, तो शायद ये मैच हमारे हाथ में होता और हम जीत जाते। आपको भी लगता है कि बुमराह थोड़ा डिफरेंस थे? फॉर श्योर, मुझे लगता है कि बुमराह ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस टीम के अंदर, पर मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा मैच था। एंड गेम तक, एंड बॉल तक हमको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस तरफ मैच जाएगा, पर इट वॉज अ गुड गेम। अच्छा गेम खेला इंडिया ने, हम बहुत खुश है। पर मैं यही कहना चाहूँ कि हम पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे जीते या हारो, हमको तुमसे प्यार है। आपको कितना डिफरेंट लगे हैं जसप्रीत बुमराह बाकी बॉलर्स? आपको लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान से मैच छीने? एब्सोल्युटली, वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उन्होंने जैसे हमारी बैटिंग लाइनअप को खत्म कर दिया। अच्छा कोई नहीं खेला इंडिया की टीम में, डिफरेंस मेकर था गेम। क्या आपको चीज खास लगी जसप्रीत बुमराह की? उसका स्विंग और उसका वो फॉर्म जिससे वो बॉल फेंकता है, हमारी टीम में किसी को समझ नहीं आया कहाँ बॉल जा रही है। आपको लगा कि जसप्रीत बुमराह एक डिफरेंस रहे दोनों टीम के बीच? हाँ बिल्कुल, वो तो एक अलग क्लास में है ना, तो हमारे बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि हमारे बॉलर से भी वो थोड़े डिफरेंट है जसप्रीत बुमराह? हमारे बॉलर्स से तो मतलब हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उनका उसका स्टाइल अलग है। आई थिंक बुमराह इज अ डिफरेंस। बुमराह हर एक टीम, इंडिया के इंडिया कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट में हर एक टीम में बुमराह इज अ डिफरेंस, बिकॉज ही इज अ बेस्ट बॉलर विद द बेस्ट कंट्रोल। उनके लाइन लेंथ स्पीड डायरेक्शन और ही इज अ फुल बॉलर, सब अलग अलग टाइप की बॉलिंग करते हैं एट एनी वेरी सिचुएशन एंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ बैट्समैन। सो शाहीन अफरीदी इज प्रीटी गुड, बट आई थिंक बुमराह इज इन अ क्लास ऑफ हिज ओन। बुमराह तो मुझे बहुत ही पसंद है और वो बहुत अच्छी बॉलिंग भी करता है, ही इज वेरी स्टेबल। और उसने रिजवान की जो विकेट ली, सुभान अल्लाह हो गया, बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के सामने, बहुत ही अच्छा हो गया। बुमराह इज आई थिंक बेस्ट बॉलर इंडिया में, सीम स्विंग बहुत करते हैं, इज वेरी गुड, वेरी क्लास क्लास। आपको लगता है दोनों के बीच डिफरेंस बहुत है? No, not that difference. He bowl, if he, when Bumrah aata hai bowl ke liye, wicket aata hai. Sif, bas. Aap bataye, aapko lagta hai ki Bumrah difference hai Pakistan-India team ke beech? Aapko lagta hai ki Pakistan aur India team ke beech mein difference Bumrah the, unhone akele ne Pakistan se match chhina kyunki main batters ko unhone out kiya? हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पिच थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और वो बॉलिंग पिच थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, खाली बुमराह ही थी और पाकिस्तान की तरफ से भी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी थी, तो इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट। पाकिस्तान को बहुत अच्छा एडवांटेज था क्योंकि उनको पता चल गया था कि वहाँ पर कैसी बॉलिंग हुई है और पाकिस्तान को बहुत केयरफुली खेलना था, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया, इसके उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। इंडिया में सबसे अच्छा आपको मतलब किसका खेल लगा बॉलिंग में? आई थिंक बॉलिंग में बुमराह और हर्षदीप ने जो बैक टू बैक स्पेल्स डाल के जो प्रेशर क्रिएट किया, उसके बाद उनके पास कोई चांस नहीं था, छक्का या चौका मारना ही पड़ता था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया वो बहुत अच्छा था। आपको भी लगता है कि दोनों टीम के बीच में डिफरेंस बुमराह थे बेसिकली? डिफरेंस हमारी बैटिंग थी मेरे ख्याल से, बैटिंग अप्रोच अच्छा नहीं था, वही इंडिया ने वही प्लान यूज किया, बाउंसर पे 3 आउट उन्होंने मारे किए जहाँ तक हमने देखा, और वही प्लान बाउंसर मारा शदाब फखर जमान, पाकिस्तान ने वही किया जो हमेशा करता है, बहुत सारे डॉट्स थे या डॉट या शॉट, स्ट्राइक रोटेशन नहीं थी, बैटिंग बहुत अच्छा नहीं था जिसके से हम मैच हारे। आपको क्या लगता है उनकी बॉलिंग में सबसे ज्यादा दम किसने दिखाया है? बुमराह ने दिखाया और फिर आई थिंक पिच का भी थोड़ा सा स्टॉप करा था बॉल, ऐसा लग रहा था देखने में, पर बस यही है कि एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, लेकिन हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन कोई बात नहीं।